मैंने पता रिकॉर्ड करना कितना वहाँ पे भारी पड़ रहा था, कितना मुश्किल था। मैंने तू बताएगा, बता कितना मुश्किल था बताना। पॉसिबल चांस 0%। वेलकम बैक टू ब्लॉग बैंगर। तो गाइज अभी हम आ रखे हैं काल भैरव मंदिर जी, और काल भैरव मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पे मतलब जो भी महाकालेश्वर का दर्शन करता है, महाकाल आते हैं, उनको काल भैरव आना जरूरी होता है, तभी पूरे फल की प्राप्ति होती है। तो गाइज अभी काल भैरव मंदिर हम आ चुके हैं, और अभी देखो हम लोग पहन रखे ऑरेंज टी शर्ट। तो अभी गाइज हम टी शर्ट यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, फोन को रख ले भाई तू अपने पास में। ये देखो गाइज हम यहाँ पे काली टी शर्ट लेके आए हैं, क्योंकि काल भैरव मंदिर में जाएंगे तो हम काली टी शर्ट ब्लैक टी शर्ट पहन के जाएंगे। ये ब्लैक मैन काला कुर्ता पजामा जामा। देख सकते हो हमने टी शर्ट चेंज कर लिया गाइस। तो आप देख सकते हो बस अभी अपन जा रहे हैं, कुछ ही देर में अपन काल भैरव मंदिर पहुंचने वाले हैं। वहां पे अगर गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हो उधर है काल भैरव मंदिर का गेट, और अभी अपन चलने वाले हैं। सब सही है मैन, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यहाँ दारू चढ़ती है तो दारू हम लोग पियेंगे नहीं। नहीं गाइस यहाँ पे प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाया जाता है। गाइज यहाँ का मतलब एक कहा जाता है कि जो भी महाकालेश्वर आता है उसको क्या है यहाँ पे दर्शन करना होता है। हाँ, जिससे क्या है, महाकाल यहाँ के राजा है और काल भैरव यहाँ का सेनापति है। हाँ हाँ, अच्छा। तो फिर जब भस्म आरती होती है ना तो 5 मिनट के लिए लाइट कट जाती है, ये जाते हैं महाकाल से मिलने, काल भैरव। हाँ, सुबह 5 बजे। हाँ, भस्म आरती के वक्त। भस्म आरती के वक्त महेंद्र कहाँ रह गया? अच्छा, तो फिर तब यहाँ पे इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भी मतलब महाकालेश्वर आता है उसको काल भैरव आना होता है, तब तब जो भी राजा से मिलता है उसको सेनापति से मिलना अति आवश्यक है। अच्छा, ऐसा तब जाके पूरा मतलब फल की प्राप्ति होती है। बस अपन यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो चप्पल जूते उतार रहे हैं लोग, मैं और महेंद्र भी चप्पल जूते उतार रहे हैं। चप्पल ले लिया ना महेंद्र? आ जा, चलते हैं अब। ये गाइज देखो हम बस द्वार के पास पहुँच गए हैं, अब कुछ ही देरों में मैं आपको, जो आप देख रहे हो, हाँ, मनोकामना के धागे हैं ये सारे, ये सब बांध के जाते हैं, मनोकामना वो पूरी जाती है, बांध के और धागे बांध के जाते हैं। तो गाइस अगर आपको, आप जब भी यहाँ पे काल भैरव आओ, आपके मन में कुछ भी मनोकामना है तो आप ऐसे धागे बांध के जाओ। ज्यादातर ब्लैक धागे बधे हुए ना, मतलब काल भैरव है ना, काल भैरव जी का मतलब काफी ब्लैक कलर से मतलब काफी ज्यादा अटैचमेंट है, पसंद था ब्लैक कलर, ब्लैक कलर काफी पसंद था गाइस, क्योंकि मेरे को भी गाइस ब्लैक कलर बहुत पसंद है। ऐसे तो ऐसे हम लड़कों को ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है भी। ये गाइस चलते हैं, फिर कुछ ही देर में बस पहुंच जाएंगे अपन। यहाँ पे भी भक्तों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, भक्त यहाँ पे भी काफ़ी भारी संख्या में, क्योंकि यहाँ पे मतलब ऐसा कहना है, मानना है पुरानी कथाओं के अनुसार कि जो भी मतलब महाकाल आता है उसको काल भैरव आना होता है। छोटू ने अभी आपको बताया इसकी स्टोरी के बारे में, क्योंकि महाकाल यहाँ के राजा हैं और जो काल भैरव है वो सेनापति है, तो जो आता है राजा के यहाँ उसको सेनापति जी से के यहाँ आना ही होता है, तब जाके पूरे फल की प्राप्ति होती है। गाइस ये बच्चे देखो, बच्चे बड़े सब यहाँ पे आए हैं बाबा की भक्ति में लीन होने। काल भैरव जी का भी अलग ही एक महिमा है, अलग ही मतलब यहाँ का मतलब अलग ही वाइब है, और मतलब इसलिए यहाँ पे, और ऐसा कहा भी जाता है कि जो भी महाकाल आता है वो काल भैरव जरूर आता है, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है गाइज। देख सकते हो आप भीड़ से, देखो जो गेट से यहाँ तक कितनी भीड़ हो रखी है। अभी लग रहा है हमें यहाँ पे नंबर आने में मुश्किल से 5-10 मिनट लग जाएगा। हाँ, नंबर आने में 5-10 मिनट लग जाएगा, तो अभी अपन लग रखे हैं गाइज लाइन में, अंदर कैमरा अलाउ है नहीं, मैं शायद आपको लाइव दर्शन नहीं करा पाऊँ, तो फिर ऐसे ही डायरेक्ट आपको फ़ोन से शूट करूँगा, कोशिश करूँगा फ़ोन से शूट करके मैं आपको पिक दिखा सकूँ वहाँ की, मैं पिक डाल दूँगा। गाय बाय ब्रो, अब हाय करो भाई, अब हाय, ऐसे ऐसे गाइस देखो बच्चा कितना प्यारा हाय कर रहा है, अब हाय करना ब्रो, हाय ऐसे करो। वाह गाइस देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा भीड़ है, अभी हम लग रखे हैं लाइन में और थोड़ी देर में अभी ऊपर पहुंचने वाले हैं। जय ब्लॉग बैंक, जय ब्लॉग पता नहीं क्या है, मेरे को पता नहीं चल रहा, आई थिंक डॉगी है बट आई डोंट नो, बट अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइबर जानता हो तो कमेंट में जरूर करो। डॉग है ना, डॉग है क्या ये, डॉग किसकी सवारी है? अरे गाइस फिर अभी हमें भी, हमें आंटी जी ने बताया कि ये डॉग है, बाबा इसी पे सवारी करते हैं। सॉरी बाबा, ओ फोन निकाल ले बाबा छोड़ दे। जय जय गाइस, तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट फोन से ही दिखाना पड़ रहा है, हमें इसके अंदर कैमरा अलाउ है नहीं, तो मैं डायरेक्ट आपको व्यू दिखा नहीं सकता। ब्लॉग बैंगर भी है। हम
हमने काल भैरव जी के महाराज का दर्शन कर लिया है और हमें यहाँ पे क्या है कैमरा अलाउ था नहीं गया, फिर हमें फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ा था और उसमें भी क्या था फ़ोन से भी रिकॉर्ड नहीं करने देते। फिर भी गाइज मैंने बिल्कुल ही कोशिश करते हुए, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बिल्कुल ही लाइव दर्शन करवाऊंगा आप लोगों को एक, तो गाइज मैंने भी कैसे भी करके एक क्लिप आप लोगों के लिए मतलब वहाँ पे बिल्कुल दर्शन कर ही लिया, मतलब फोटो बिल्कुल रिकॉर्ड कर लिया। क्या मैंने पता रिकॉर्ड करना कितना वहाँ पे भारी पड़ रहा था, कितना मुश्किल था, मैंने तू बताएगा बता कितना मुश्किल था बता ना। बिल्कुल अलाउ नहीं था ना, मतलब कोई भी रिकॉर्ड कर पा रहा था क्या। फिर भी गाइज मैंने रिकॉर्ड किया है आप लोगों को, बिल्कुल मैंने वहाँ का व्यू दिखाया है और काल भैरव महाराज का दर्शन भी करवाया है। तो इसी बात पे बोलते हैं काल भैरव महाराज की जय। तो गाइज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको काल भैरव जी का दर्शन हुआ है तो सबको अपने वीडियो के कमेंट में डालना है जय काल भैरव, ठीक है गाइज। तो सभी लोग कमेंट करेंगे जय काल भैरव। तो गाइज तो फिर चलते हैं, अभी अपन ने काल भैरव जी का दर्शन कर लिया है और अपन चलते हैं फिर अपने आज पूरा उज्जैन दर्शन करना है, तो अभी अब नेक्स्ट जगह चलते हैं अपन, ठीक है गाइज।